हाँ तो भाई, मोदी जी का मन का बात का वीडियो तो आप लोग ने देख ही लिया होगा कि युवाओं ने कैसे डिसलाइक मार मार के सड़क तीन बना दिया है उस मन की बात को। हालांकि अब सारे यूट्यूबर ने ये मूवमेंट शुरू कर दिया है कि भाई अब और नहीं, बस और नहीं, हल्ला बोल तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। और मोदी जी का सोचे थे कि आपको इतना बढ़िया सा वोट दे के, सब कुछ अच्छा से करके 400 से ज़्यादा सीटों से आपको जिताए थे, तो क्या आप युवाओं को ध्यान नहीं देंगे? आपका मुद्दा खाली 5 किलो राशन और लैट्रिन बाथरूम तक है। शौचालय बनवाइए, सबको राशन दीजिए, ठीक है, लेकिन युवाओं के लिए आप क्या किए हैं बताइए? 2014 के बाद से आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और उसके बाद से जो युवा है, 2016 का वैकेंसी अभी TGT PGT का नहीं भरा गया है। 2018 में 80 ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, नियुक्ति नहीं मिली है किसी को। तो क्या आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं युवाओं को? मतलब ये चीज़ें उनको लगती नहीं, आदमी ओवर एज होने आ रहा है। 2014 में BEd किया था, 2020 आ गया, बंदे को नौकरी नहीं मिली है, आगे 69,000 भर्ती है। मतलब ठीक है, SSC है, रेलवे है, बैंक है, सबका आपने माना ऐसी कहीं तैसी कर दिया, निजीकरण वगैरह। हाँ, लेकिन अब बात सुन लीजिए हमारी युवाओं की भी, कि अब एक नहीं चलेगा, समझ गए? अब सारे युवा एकजुट हैं, सारे युवा समझदार हैं, सारे युवा एकदम बढ़िया से जान गए हैं कि अब उन्हें क्या करना है और अपना विरोध कैसे दर्ज करना है। देखिएगा, अगर आपको विश्व में सबसे ज़्यादा डिसलाइक वीडियो ना बना दिया युवा तो कहना। तीसरी चीज़ ये है कि हर सेक्टर में नौकरी लेने में इतना देरी काहे लगता है भाई? सोचिए, युवा आज फॉर्म भरता है, 4 महीना बाद एग्जाम हुआ नहीं हुआ, भर्ती लटक गई कोर्ट में, पेपर करवाने वाले धांधली कर दिए, पेपर में गलत क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब इतना सबसे गुजरना पड़ता है। अरे सोचिए, अगर इलेक्शन हो गया 2020 में या 22 में और उसका परिणाम आए 2030 में, आप शपथ ग्रहण करेंगे? नहीं ना। तो फिर युवाओं के साथ का है भाई? अभी तो हम लोगों की उम्र है सब करने की, और एक एक वैकेंसी में अगर आप 6-6 साल लगा देंगे तो बताइए हम कितना, हमारे पास चांस है? 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार पद की वैकेंसी के लिए 10-10 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख फॉर्म भरवा देते हैं आप लोग, बाकी लोग कहाँ जाएगा भाई? नौकरियाँ तो आप जितना पद निकालते हैं उतना को ही देंगे, तो क्या बाकी लोगों में टैलेंट नहीं है? सोचिए। इस पर मैं बड़ा विस्तृत वीडियो बनाने वाला हूँ, फिलहाल ये एक इंट्रो वीडियो था कि आप लोग जाने कि युवाओं की ताकत क्या है, और उसने अब अपनी ताकत सरकार को दिखाना शुरू कर दी है। और बहुत जल्दी जान लीजिए कि अब ये चीज़ जो है उनके दिमाग में आएगी, इस चीज़ को उन्हें संज्ञान में लेना होगा, पक्का लेना होगा भाई, बिना लिए काम नहीं चलने वाला है। तो इस मुहिम में हल्ला बोल, अब और नहीं, बस और नहीं, युवाओं पर ध्यान दीजिए, खास तौर पर अब शिक्षकों की भर्ती का तो भाई बिल्कुल ध्यान दीजिए, शिक्षक नहीं बनाएंगे तो आगे देश का भविष्य कैसे चलेगा भाई? सोचिए, हर आदमी का आप जो है प्राइवेट और निजीकरण में जो है उसका काम चल जाएगा, गुजारा चल जाएगा, तरक्की कैसे करेगा भाई देश? आपने GST ला दिया, आपने नोटबंदी की, आपने टैक्स के स्लैब बदल दिया, आपने प्राइवेटाइजेशन लागू कर दिया, मतलब क्या है? और युवाओं को इससे क्या मिला बताइए? 2014 से, 15 से, 2011 से आदमी ना परेशान है, नौकरी नहीं मिल रहा है, और फिर कहेंगे कि बंदे में टैलेंट नहीं, हमारे समाज में ऐसा जो है र्यूमर्स उड़ जाते हैं, अब बंदा का करे, सुसाइड कर ले? तो देखिए, युवा एकदम भर गया है और सब जान गया है कि अब मन की बात नहीं होगी, अब काम की बात होगी, जान लीजिए। और काम की बात होगी तभी जो है बात होगी, ये मन की बात पे केवल डिसलाइक होगा बस। तो अब इतना समझ लीजिए कि हम युवाओं का सुनिए, युवाओं के लिए अवसर बनाइए, और अवसर ऐसे बनाइए कि परीक्षा और परिणाम ऑथेंटिक हो और जल्दी जा रही हो। मतलब साल में कम से कम किसी युवा को नौकरी का 2 मौका तो दो, कम से कम, नहीं तो 1 मौका दो। अब 2019 की भर्ती 2020 में लटकी है, 2 साल होने को है, 6 जनवरी को 2 साल हो जाएगा, 69,000। PGT 2016 में फॉर्म आया था, 2020 में अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है उसका, सब क्या है भाई? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहीं है तो शिक्षकों की भर्ती में है। तो इस पर आवाज़ उठाइए, लाइक शेयर करिए, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा इस पर। जय हिंद आप सब।